हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई तीन चुड़ैलों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई तीन चुड़ैलों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में तीन जादूगरनी बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत नेक थी और हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक गांव के बच्चे गायब होने लगते हैं। इस बात से सभी गांव वालों के दिलों में दहशत बैठ जाती है। दूसरी तरफ गांव वालों को शक होता है कि बच्चों के गायब होने के पीछे तीनों जादूगरनी बहनों का हाथ है। भाइयों, मुझे लगता है हमारे बच्चों को जादूगरनी बहनें उठाकर ले गई हैं। मैंने कई बार उनके घर से मंत्रों की आवाज सुनी है। लगता है वो हमारे बच्चों की बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने भी सुना है कि जादूगर लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसान की बलि देते हैं। हमें उन तीनों को सबक सिखाना होगा, वरना एक दिन गांव के सारे बच्चे मर जाएंगे। फिर रात को जब तीनों जादूगरनी बहनें सो रही थी कि तभी गांव वाले उनके घर को घेर लेते हैं। उसके बाद एक आदमी अंदर जाकर तीनों बहनों की जादुई छड़ी उठाकर बाहर ले जाता है। तभी बाहर लोगों का शोर सुनकर तीनों बहनों की नींद खुल जाती है। तीनों बहनें उठाकर खिड़की के पास आ जाती हैं। अपने घर के बाहर इतने सारे लोगों को गुस्से में देख तीनों बहनें घबरा जाती हैं। तुम तीनों बहनों ने हमारे गांव के बच्चों को मारा है। अब हम सब तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हमने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस बहुत हो गया, हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। चलो भाइयों, इनके घर को आग लगा दो। ये सुनते ही तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगती हैं। लगता है इन लोगों ने हमारी जादुई छड़ी चुरा ली है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सभी गांव वाले उनके घर को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते तीनों बहनें आग में जलकर मर जाती हैं। ये देख सभी गांव वाले खुश होकर वहां से चले जाते हैं। मरने के बाद तीनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं। फिर हम तीनों ने गांव वालों का क्या बिगाड़ा था? हम तो बेकसूर थे, फिर भी उन्होंने हमें जान से मार दिया। तुम ठीक कहती हो, हमें गांव वालों के सामने साबित करना होगा कि हम तीनों बेकसूर थे, वरना ये गांव वाले हमारी तरह और भी मासूम लोगों की जान ले सकते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले सोचते हैं कि अब उनके गांव से कोई बच्चा गायब नहीं होगा। लेकिन फिर भी गांव से बच्चे गायब होने का सिलसिला जारी रहता है। उधर तीनों बहनें बच्चे चुराने वाले को पकड़ने के लिए गांव में पहरा देने लगते हैं। फिर एक रात तीनों बहनें देखते हैं कि गिरधारी नाम का एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगाकर चोरी से किसी के घर में घुस रहा था। गिरधारी अंदर जाकर सो रहे बच्चों को बेहोश करके उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख तीनों बहनें उसका पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर में गिरधारी जंगल में एक तांत्रिक के घर पहुंच जाता है। वहां गांव से गायब हुए सारे बच्चे रस्सियों से बंधे हुए थे। अच्छा, तो ये गिरधारी इन बच्चों को चुरा कर इस तांत्रिक के पास ले जा रहा है। तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो गिरधारी। अब मैं बहुत जल्द इन सभी बच्चों को मार कर इनकी बलि चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं तांत्रिक जी, मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ। मैंने बच्चों की चोरी का इंजाम तीनों जादूगरनी बहनों पर लगाकर उन्हें मरवा दिया। यो, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो तुम्हारे पैसे। इतना कहकर तांत्रिक गिरधारी को ढेर सारे पैसे दे देता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल मैं एक और बच्चे को पकड़कर आपके पास ले आऊंगा तांत्रिक जी। तभी उन दोनों के सामने चुड़ैल बनी जादूगरनी बहनें आ जाती हैं। उन तीनों का डरावना रूप देख तांत्रिक और गिरधारी थर थर कांपने लगते हैं। क्यों रे जालिम तांत्रिक, तू इन मासूम बच्चों को मारकर उनकी बलि चढ़ाना चाहता है?
लेकिन हम तीनों बहनें ऐसा नहीं होने देंगे। तेरी वजह से हम तीनों की मौत हुई है। चलो इन दोनों को उठाकर गांव वालों के सामने ले चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें वहां की सभी बच्चों को साथ साथ गिरधारी तांत्रिक को भी गांव वालों के सामने ले जाते हैं। लापता हुए बच्चों को देख गांव वाले खुश हो जाते हैं। उसके बाद तीनों बहनें गांव वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं। गिरधारी और तांत्रिक गांव वालों से माफी मांगते हैं, लेकिन गांव वाले दोनों की एक नहीं सुनते और उन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते दोनों जलकर राख के ढेर में बदल जाते हैं। इस तरह साबित हो जाता है कि तीनों जादूगरनी बहनें बेकसूर थीं। उसके बाद तीनों हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई तीन चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई का पता लगाए बगैर कभी किसी बेकसूर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।